नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे। आज हम एक शानदार वेजिटेरियन डिश बना रहे हैं जो कि है पालक पनीर, जिसके मेन इंग्रेडिएंट है पालक और पनीर। पालक एक ऐसा पौष्टिक आहार है जिसमें एक हर तरह की जरूरी विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, के, फॉलिक एसिड्स, कैल्शियम और आयरन। अब पनीर का क्या कहना, जो कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। पनीर के सेवन से बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है, तो है ना ये एक बहुत ही हेल्दी डिश। वैसे तो पालक पनीर की शुरुआत पंजाब से हुई है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में प्रचलित व्यंजन हो चुके हैं। न केवल भारतवर्ष, विदेश में भी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। ये देखने में जितनी शानदार लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे पालक को अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है। सबसे पहले हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हमने दो प्याज काट कर लिया है, जिसमें हम अदरक, लहसुन और दो हरी मिर्च को ग्राइंड कर लेंगे। और हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनकर तैयार है। अब हमें सारे पालक को ब्लांच करना है। ब्लांच करने के लिए हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है, जिसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम सारे पालक को इसमें डालेंगे। हमने सारे पालक डाल दिए हैं, अब इसमें एक उबाल आने तक का हम वेट करेंगे। देखिए इसमें एक बॉईल आ चुका है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारे पालक को छानकर ठंडे पानी में डाल देंगे। इस तरह से इसको ठंडा होने देते हैं और हम साइड में मसाले की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे और एक छोटा चम्मच घी डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे। अब कटा हुआ प्याज डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आएगी और डाइजेशन में भी हेल्प होगा। प्याज हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम जिंजर गार्लिक और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, डेढ़ चम्मच, और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे दो टमाटर, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे हम। मैंने अभी कम नमक ही डाला है, क्योंकि मैंने पहले ही ब्लांच करते वक्त नमक डाला था। पालक हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, हमने मिक्सी जार में डाल दिया। हम इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से मसाला भी अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है, तो अब हम इसमें पालक की प्योरी डाल देंगे। अब हमने पालक की प्योरी डाल दिया है, अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। पालक में हमारा अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम चुटकी भर गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें थोड़ा थिक क्रीमी ग्रेवी बनाना है, इसलिए हमें इसे थोड़ा और मिक्स करते रहना पड़ेगा।
देखिए हमारा ग्रेवी एकदम ही रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर क्यूब्स। हमने सारे पनीर क्यूब्स डाल दिए हैं। अब हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। इसी तरह हल्के हल्के से हम इसे मिलाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें फ्रेश क्रीम 1 चम्मच। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करके हम सर्व कर लेंगे और चलते हैं अब तड़के की तैयारी। तड़के के लिए हमने 1/2 चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म हो जाने पर हम डालेंगे जीरा, सूखी लाल मिर्च, जरा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चुटकी हींग। अब ये तड़का हमारा रेडी है। अब ये जो पालक पनीर हमने सर्व करके रखा है ये एकदम सादी लग रही है, तो इसको और दुगना स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इस तड़के को इसमें डालेंगे। तो लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये पालक पनीर। लास्ट में हमें इसे जलियन अदरक से गार्निश किया हुआ है। तो प्लीज इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर में रहिए और स्वस्थ रहिए और मेरे रेसिपीज को ट्राई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।